गुड डे टू क्लास 9। टुडेज अवर टॉपिक इज रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन करेंगे आज स्टार्ट। फर्स्टली ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है। सपोज करना क्या है, हमने इसमें एक स्टोन लेना है। स्टोन को जब ऊपर फेंकेंगे इन द एयर देन द स्पीड ऑफ द स्टोन इज सेट टू बी स्लो। बट जब नीचे गिरता है, नीचे आता है स्टोन, पर्टिकुलर हाइट रीच करके नीचे आता है, तो उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है, फास्टर देन द डेट ऑफ द इनिशियल स्पीड। इसका रीज़न क्या है वो हम स्टडी करेंगे। इसको एक्सप्लेनेशन दी थी सर आइज़ैक न्यूटन ने। When he was sitting under a tree and saw that an apple fall from a tree on the ground, ठीक है, उन्होंने क्या कंक्लूजन की, द एप्पल था दैट फॉलिंग ऑन अ ग्राउंड इज एग्जर्टिंग फोर्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ। और अर्थ भी एक फोर्स लगा रही है जिससे कि वो एप्पल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पर डिफरेंस कहाँ था, जो अर्थ की फोर्स थी विद विच इट वॉज अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड इटसेल्फ वॉज फाउंड टू बी लार्जर then the force which was exerted by the apple on the earth. So that's why the apple fall down with a higher speed towards the earth. Similarly stone में भी ऐसे ही है। stone जो है वो नीचे आता है, उसकी speed increase होती है क्योंकि stone की जो force of attraction लगा रहा है earth को अपनी तरफ attract करने के लिए वो लगा रहा है, पर उसकी speed जो है, उसकी जो intensity है attraction की, that is much less than the intensity of attraction of force which was being acted by the earth on the stone. ठीक है, यहाँ तक ग्रेविटेशन का कंसेप्ट था। इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आइज़ैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उसके बाद एक और चीज़ और बता दूँ कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर थिंग विद द फोर्स। एक फोर्स लगती है, जैसे कि एक प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें अर्थ और एक प्लैनेट पर्टिकुलर मून की, अर्थ जो है मून की तरफ अट्रैक्शन लगा रही है जिसकी वजह से जो मून है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कर रहा है, एंड मून इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ, बट द फोर्स विद विच अट्रैक्शन ऑफ द मून to attraction of the moon is less than that of the attraction which is given by the earth towards the moon. So centripetal force लगी वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, revolution होगा moon का around the earth easily हो पाएगा। अब universal gravitation law पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आइज़ैक न्यूटन के अकॉर्डिंगली एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल और अनदर सब्सटेंस विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of a distance between them so क्या होगा यहाँ पे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, एक का कैपिटल m है, दोनों में डिस्टेंस d है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल n टू कैपिटल m, एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d2। कंबाइनिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की, हमारे पास बन जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू कैपिटल m अपॉन d2। कोसाइन प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे इसमें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल जी इनटू स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऐसा यूनिट क्या होते हैं। ऐसा यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिगार्डिंगली डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स ऑन ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन थी एफ इज इक्वल टू जी इनटू एम वन इनटू एम इनटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास हो है वन है, यूनिट मास है, और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आल्सो यूनिट वन, दैट इज देन वी विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल जी। मीन्स तो से फोर्स जो होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। सिमिलरली अगर मैं ऐसा यूनिट्स की बात करूँ, रिगार्डिंग बात करें ऐसा यूनिट की ग्रेविटेशनल फोर्स की और सॉरी कैपिटल जी की, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इज इक्वल टू जी इन द स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे हमने निकालने कैपिटल जी की वैल्यू बन जाएगी एफ इंटू डी स्केयर, एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्केयर हो जाएगा अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास यूनिट्स पता होने चाहिए। फोर्स जो है तब होती है हमेशा न्यूटन्स में कैलकुलेट करते हैं, मास को किलोग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस को मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। सो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्केयर अपॉन किलोग्राम स्केयर, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर और न्यूटन मीटर स्केयर किलोग्राम की पावर -2। सो नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.6734×10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर एंड इट वॉज फाउंडेड इन कैलकुलेटेड 1978। सो दिस इज फॉर टुडे, होप सो क्लियर होगा। एक बार यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट फिर से देख लो।
यूनिवर्सल लॉ की एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम प्रोवाइडेड दैट दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइडेड दैट दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ये कंडीशन है आइज़ैक न्यूटन की. अब हम कल क्या करेंगे, कल हम डिपेंडेंस करेंगे रिगार्डिंग द ग्रेविटी की मास के ऊपर, ग्रेविटी की डायरेक्शन के ऊपर, और उसके बाद हम करेंगे फ्री फॉल ऑफ बॉडी, कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.